मेरा नाम फजल रामा रहमानी है और मेरा असलन ताल्लुक बिहार से है। बिहार में मुंगेर शहर है जहाँ से मेरा ताल्लुक है। वहीं एक बड़ा इदारा है जामिया रहमानी खानका मुंगेर, हजरत मौलाना वली साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, जहाँ के जिम्मेदार हैं वहीं मेरे अबू उस्ताद हरीस हैं। और मैं पेशावराना तौर पर यानी रोज़ी रोटी के गरज से हैदराबाद में मेरा रहना होता है। असलन मैं बिहार का ही हूँ और यहीं दूरी नगर में बंडलागुड़ा दूरी नगर में मेरा मकान था जो मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा था। बाद में मेरी माँ को उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया और वो मकान मेरी माँ के नाम से था। मेरी माँ ने हमारे मकान को दरअसल फरोख्त कर दिया और हमारी अहलिया जो है वो अपनी बहनों और माँ वगैरह के साथ वो वहीं नूरी नगर में रहती हैं। दरअसल तीन चार रोज़ से एक खबर गश्त कर रही है मीडिया पर और सोशल मीडिया के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए इस खबर को फैलाया जा रहा है और अहलियाँ हमारी मीडिया के ऊपर आके ये फैला रही हैं कि मैं बीवी को छोड़ के भाग गया हूँ और मैंने बीवी के ऊपर इतना जुल्म सितम किया, बच्ची होने की वजह से नाराज़ होकर मैं घर से भाग गया हूँ। तो बुनियादी तौर पर मैं मीडिया के सामने आप लोगों को गुजारिश किया और आप लोगों के सामने आया, मैं आप लोगों को जहमत में इसलिए दिया कि भाई मैं भागा नहीं हूँ बल्कि इसी शहर में मैं हूँ और मैं बल्कि भगाया गया हूँ। दरअसल घर में मैं था और मेरी माँ ने जब मकान फरोख्त कर दिया तो इसकी मुखालफत करते हुए मेरी बीवी ने खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने लगी वो, जिससे मेरे माँ बाप हम लोग सबको इस्तिंजा बखाना होने लगा कि ये लोग लूज मोशन करते करते मर जाए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद समझिए कि घर पर अम्मी जो है उनको अम्मी ने बेचा, घर मकान अम्मी का था। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं बेच करके, और उसके साथ उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने घर जो बेचा है उसमें मैं बीवी बच्चे को भी बेच दिया हूँ, अब वो भी 3 लाख रुपए में। तो आप सब बताइए कि मेरा मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है और उसने मकान बेचने की मुखालफत में, चूंकि मेरी माँ ने मकान बेचा और मैं शुरू से इस पर साबित कदम रहा कि भाई आप मेरी बेटी हैं, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मेरी सहूलत से आप रखिए। मेरी माँ ने बेचा जिसकी वजह से मेरी माँ बाप के साथ भी तनाव हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं बीवी के निकाह में हूँ। लेकिन उसने गलत खबर की हर जगह शाये करवा दी और एक तरफा मीडिया ने इस खबर को शाये कर दिया कि भाई मैं उस मकान को बेच दिया हूँ मैं, जबकि वो मकान मेरी माँ का है तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। डॉक्यूमेंट यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। दूसरा यह है कि मैं मकान को बीवी बच्चे के साथ 3 लाख में बेच दिया और यह खबर खूब जोरों शोर से चली। अब आप हजरात खुद इसका फैसला करेंगे, कोई भी जीशोर कोई भी समझदार आदमी इस बात का फैसला करेगा कि भाई मकान के साथ बीवी बच्चों को कैसे कोई इंसान बेच देगा। मैं खुद एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मैं आप ही लोगों के पेशे से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि कैसे मैं बीवी बच्चे को भी मकान के साथ बेच सकता हूँ। दूसरा ये है कि कागज देख लिया जाए कि उसमें मकान बेचने की बात है या फिर बीवी बच्चे को भी बेचने की बात है, डॉक्यूमेंट मौजूद है। खाने में जब जहर वगैरह वो मिलाने लगी तो मजबूरन कि भाई, दूसरी बात ये हुई कि अब घर के अंदर वो ये बार बार मुझको धमकी दे रही थी कि अगर आप घर में रहेंगे और मुझको आप तलाक नहीं देंगे तो मैं इतना मजबूर कर दूंगी आपको तलाक देने पर, या आपकी बेटी को, दो बेटियां हैं मेरी, बेटी का मैं कत्ल करके आपको फंसा दूंगी, आपको जेल भेज दूंगी। मैं इस डर से घर से निकला कि अगर ये मैं इस बात की खबर मैंने पुलिस कमिश्नर को भी दी। ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये पीछे के हिस्से में पुलिस कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर और हमारा जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है चंद्रायंगुट्टा, मैंने वहां भी रिपोर्ट दी और मैंने बाजार पे, आप ये पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैंने उसमें लिख करके दिया कि भाई मैं अगर वो मेरी बेटी का कत्ल कर देती है, मेरी औलाद है वो, और बाद में मुझको ही फंसा दे तो मैं तो बेटी से भी चला जाऊंगा, जिंदगी भी मेरी खराब हो जाएगी। मैं इतना ज्यादा, देखिए हिंदुस्तान का एक ये माहौल है कि यहाँ पर औरतों को हमेशा मजलूम समझा जाता है, मर्दों को जालिम समझा जाता है। जालिम की हैसियत से मेरी खबर हर जगह शाया हो गई। कल जब मैं खबर देखा, न्यूज़ 18 वगैरह में भी खबर आ रही थी, लेकिन मैं न्यूज़ 18 को और ETV उर्दू वगैरह की मैं सराहना करता हूँ कि एक जिम्मेदार मीडिया की हैसियत से उसने मुझसे रब्ता किया, मुझसे पूछा, जब मैंने अपनी पूरी बात बताई खबर शाया नहीं हुई। लेकिन दूसरे मीडिया इदारों में खबर कहीं कहीं शाया हुई और खबर शाये हो गई। और अब ये है कि जब जहर वगैरह उसने दिया तब मैं डर से कि भाई मेरी बेटी का भी कत्ल हो जाएगा, कुछ भी ये कर देगी, ये ज़हनी तौर पे माजूर है बेटी, तो इस तरह से मैं घर से, समझिए कि जबरदस्ती। अब ये है कि मीडिया ने जो खबर एक तरफा सिर्फ निकाब के अंदर वो थी और एक गैर मुस्लिम औरत उसके साथ है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को वो बदनाम कर रही है कि मुसलमानों में ऐसे ही बेच दिया जाता है, तो कल भी मैं, यानी समझिए कि खुदकुशी वाला मेरा जहन बन रहा था कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं दुनिया में रह के क्या करूँ, पूरी खबर मेरी शाया हो गई, हर जगह बेइज्जत हो रहा हूँ, रुस्वा हो रहा हूँ जरूर। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने यह मशवरा दिया कि नहीं भाई, आप जो है यानी कि जिंदगी को इस तरह मत गंवाइए, आप अगर मर जाएंगे तो उसको तो मजा मिल जाएगा, वो घर पे काबिज हो जाएगी और जो गलत मंशा उसका है वो कामयाब हो जाएगा। तो मैं किसी तरह अपने आप को बचाया और
हर जदोकूब करने के बाद, इतना परेशान करने के बाद भी मैं तैयार हूं कि मैं अपनी बीवी को रखूंगा, मैं उसको अब तक जितना मैं जदोकूब हुआ मैं तलाक दे देता, अब वो चाह भी रही है कि मैं उसको तलाक दूं ताकि ट्रिपल तलाक का जो आजकल मामला है इतना छिड़ा हुआ वो मुझको बदनाम कर सके, लेकिन मैं अभी भी इतना जदोकूब होने के बाद मैं उसको तलाक नहीं दिया हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर मेरी बीवी को शहर के किसी कोने में जहां मैं अभी रह रहा हूं वहां अगर मेरे साथ वो रहने के लिए तैयार है तो मैं उसको रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह का इल्जाम जो मेरे ऊपर लगाया गया, पहला तो मैं भागा हुआ हूं जो सिरे से गलत है, इसका मैं तीन तीन चार चार नंबर विमेन पुलिस स्टेशन में वहां कैसे मेरा, मैं दिया हुआ हूं नंबर की जब जरूरत हो मुझको बुलाइए, मैं उनका फेवर करता हूं, सपोर्ट करता हूं, जब बुलाते हैं मैं जाता हूं, दिन दिन भर जाके बैठा रहा हूं पुलिस स्टेशन में। दूसरा ये कि इन्होंने बेच दिया, ये कहां का इल्जाम है और कैसी बात है कि मैं बीवी बच्चों को कैसे, वो भी 3 लाख रुपए में, ये खुद समझदारी की बात है, शौहर की बात है। तो ये सब इल्जाम डोरी का इल्जाम उसने लगाया कि मतलब जो है मैं उससे पहले डोरी मांगा बहुत ज्यादा, अब काम हालांकि आपके सामने यहाँ देखिए उनके बड़े भाई हैं जिन्होंने मेरी शादी कराई, इन्हीं की वजह से मेरी शादी हुई, मेरे अब्बा के शागिर्द हैं, इन्हीं की खिदमत के बड़े भाई हैं, लड़की के मेरी अहलिया की, मेरी अहलिया के बड़े भाई, सगे बड़े भाई हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से तमाम लोगों की, तमाम बहनों की शादी कराई, लेकिन बाद में बहनों बहनें इतना जालिम हो गई कि जब ये मेरे ताल्लुक से समझाने गए तो बहनों ने इनको मारा पीटा, इनकी दाढ़ी नोचा, इनको जलील और रुस्वा किया। इनसे खुद आप पूछिए कि क्या मामला है और किस तरह हम लोगों को जलील और रुस्वा, सारा रिकॉर्ड उसका मौजूद है कि बिहार में शादी हुई, निकाह हुई, मौलाना वली साहब रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के, उन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया बिहार के अंदर, ये खुद मौजूद है, ये गार्जियन है, जिम्मेदार है लड़की के, उनको मकान चाहिए, मकान अगर उसको मिल जाए तो वो तमाम मामला खत्म है, लेकिन मेरा मसला यह कि वहां पर हमारे मकान में छोटी मोटी बात होती थी तो उसकी माँ बहन वगैरह जो है, बहने हैं, चार माँ है, सब वहीं पे बसी हुई, अपना घर वगैरह छोड़ के दामादों के यहाँ बसना उनका सेवा है, मेरे घर में आके ईटा पत्थर चलाना शुरू कर देना और रात दिन उसके दिमाग में नेगेटिव माइंड मैपिंग करना, जहां पर मेरा पेशा है, जॉब है, वहां कहीं दूर में हम लोग कोई फ्लैट ले लेंगे, ये बेच के करीब में ले लेंगे जिससे वो करीब भी होगा मकान, और दूसरा ये कि डिस्टेंस, अब मेरा जो है हुकूमत से, तेलंगाना की हुकूमत से, और मैं पुलिस की भी यहां सराहना करता हूं कि मेरे मामले को संजीदगी से देखा, लेकिन मेरी बीवी ने पुलिस को भी बदनाम करने की कोशिश किया, मेरा मुतालबा यही है कि मेरी बीवी को इस तरह आमादा कर दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान उसको समझा के थक चुका है कि वो मेरे साथ, मैं जहां रहूं जैसे एक शौहर बीवी के साथ रहता है वो रखने के लिए तैयार हो, मुझको इस तरह जो बदनाम किया जा रहा है, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं और मैं पूरे मजबूती के साथ आपके सामने मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि वो अगर मेरे साथ रहने के लिए तैयार होगी मैं रहूंगा, वो जो गैर मुस्लिम खवातीन वगैरह के साथ बदनाम कर रही है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, मेरे साथ साथ मैं इसके लिए फिक्रमंद हूं, मैं इसके लिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी सवाल करें, ये भाई हैं उनके, खुद इन्होंने शादी कराई है, ये जिम्मेदार है, इसका मतलब यह है कि अगर उसका, मैं तो अभी तक उसके खिलाफ कोई भी काउंटर केस सर नहीं किया हूं, मेरे बारे में भी ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं और वो दो बेटी हो गई मुझको, मुझको खुद इस बात का एहसास है, मैं रात दिन बेटियों के लिए रोता रहता हूं, मैं खुद पूरी संजीदगी के साथ, लेकिन अब हम दोनों में बदएतमादी इतनी हो गई है कि अब वो जैसे जहर दे रही, घर में हम दोनों बाप बेटे का मोबाइल रखा हुआ था वो चोरी कर लिया उसने सिर्फ मेंटली टॉर्चर करने के लिए हम लोगों को, और जाहिर सी बात है कि उसको औरत का एडवांटेज हर जगह मिल रहा है जहां वो जा रही औरत होने, अब मैं कल अगर मान लीजिए खुदकुशी कर लेता तो आप लोग एक खबर ये कर रहे होते, आज बड़ी तगड़ी खबर चलती कि एक जहले सब जीते जी मार जाएंगे और इसका कोई यानी कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ये लोग और इस तरह के लोग और जो है मजलूम जालिम बनते चले जाएंगे, तो इसलिए मैं समझिए कि बस कुछ दोस्तों के मशवरे से कि आप मीडिया के सामने आके खुद अपनी बात बताइए, सच्चाई बताइए, आपके साथ भी इंसाफ होगा, ऐसा नहीं है पुलिस कमिश्नर को पूरी बात, बेटी को मेरे उसने जो है कत्ल करने की धमकी दी थी ये भी मैं देखी थी, मैं दे चुका हूँ, ये देखिए मैं ये जो मकान जो फरोख्त किया है मेरी माँ ने, आप इसका भी ले सकते हैं कि भाई इसमें कहीं पर से कोई तस्करा है इस तरह का कि मकान के साथ हमने अपनी बीवी को, तो मकान मेरा है ही नहीं तो मैं बेटी को और किसको बेचूंगा, ये जमीन के पूरे कागजात हैं, आप इसको लौटा वारिस हूं मैं, और मेरी बीवी का शुरू से जहन ये बन गया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं, अब आप हजरात खुद इस बात का फैसला करेंगे कि मेरे बाप की उम्र 80 साल है वो एक आलिम दीन है, मेरी माँ की उम्र जो है 70 के करीब है, अब इस उम्र में मैं अपने माँ बाप को अगर छोड़ूंगा तो कौन उनका सहारा होगा, मैं बीवी को शुरू से, और ये भी चुके अबू के शागिर्द हैं, इन्हीं की वजह से शादी हुई ये जानते हैं, मोहम्मद आलमगीर है और फजल रहमान जो है ये हमारे बहनोई हैं और इशरत फातिमा जो है हमारी सगी बहन है, 3 साल पहले हमने बिहार में इनकी शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हंसी खुशी रहते थे और मेरी वजह से इनकी शादी हुई और मैं ही इस घर का जिम्मेदार हूँ, वालिद नहीं हमको है, हम ही ने सब भाई बहन की परवरिश की, लेकिन इधर कुछ मसला ऐसा हुआ
کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے اپنا گھر کو جو ہے ان کے والدہ کے نام سے تھی اس کو فروخت کر کے دوسرے محلہ میں وہ لینا چاہتے تھے. جب یہ فروخت کی بات آئی جب سے یہ گڑبڑی انہوں نے شروع کر دی کہ بھائی گھر میں توڑنا پھوڑنا اس طریقے سے الزامات. کل پرسوں میں نے نیوز میں دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا ان کے گھر یعنی والدہ نے گھر بیچی تو ان کے بیوی بال بچوں کو بھی انہوں نے بیچ لیا, جو سراسر غلط ہے. یہ بالکل غلط چیز ہے. کوئی ہماری ماں بہن کو اس طریقے سے اگر بہکا رہا ہے تو یہ بالکل غلط چیز ہے. ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں. بہار میں میرا گاؤں بیگو سرائے حسینی چک قصبہ ہے. پی ایس میرا بلیا ہے, پوسٹ حسینہ ہے. اور آپ وہاں جا کر کے پوری تفتیش کیجئے کہ ہم نے بھائی بہن کے لیے کیا قربانی دی اور بہنوں کا رویہ کیا ہے, اور پھر پوری تفتیش کیجئے. اس سے پہلے اسی طریقے سے ایک بہن کا شادی کیا, دوسرے دن اس کو طلاق دلوائے, بہت لفڑے میں ہم گئے. یہ لوگ کوئی میری بات سننے تیار نہیں. جب ان کے اوپر ایسا ظلم ہونے لگا تو میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے اندر آ کر کے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سب جھوٹی بات ہے بھائی, اس کی ماں کی پراپرٹی تھی انہوں نے بیچا کرا, لیکن یہ ہماری بہن کو رکھنے کے لیے تیار ہے. یہ چاہے ذاتی مکان ہماری بہن بولے تو بھی ذاتی مکان خرید کے, لیکن اس محلے سے ہٹ کے وہ رہنے تیار ہے. جو حقیقت بات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن یہاں کی حکومت اور پولیس کمشنر جو بھی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ بہار میں تفتیش حقیقت ہو کہ ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں, یہاں عارضی گھر ہے, یہاں اس طریقے سے ہماری ماں بہن گھر کو چھوڑ کر کے ہماری مائیں اور یہاں آ کر کے بیٹیوں کے پاس رہ کر کے اور اس طریقے سے جو کر رہی ہے, کل اللہ کے پاس ہم کو کیا منہ دکھانا ہے بھائی. ہمارے بابا کو روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی اس طریقے سے جو حرکت ہو رہی ہے. یہ بالکل غلط چیز ہے. یہ کوئی ہمارے نئے رشتے دار نہیں ہے, یہ پرانے ہمارے رشتے دار ہے. کوئی چھوڑ کے کہیں جا کے یعنی بھاگنے والے نہیں ہے. یہ اس لیے ہماری گزارش ہے میڈیا کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے یہ تمام کی تمام غلط ہے. جو صحیح نیوز ہے اس کو لیا جائے اور دونوں کی طرف سے سن کر صحیح انصاف دیا جائے. یہ ہماری گزارش ہے.